तो हम प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 30 देखने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि कॉस का पावर 4x माइनस साइन का पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी टाइप है अगर हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन से देखेंगे। तो जब भी आपको पावर 4 वाला क्वेश्चन दिखता है, इसको जल्दी से पावर 2 वाला क्वेश्चन में कर दो, क्योंकि हमने अभी तक पावर 2 वाले क्वेश्चन ही किए हैं। तो अगर मैंने कॉस स्क्वायर का पावर 2 एक्स माइनस साइन स्क्वायर का पावर 2 एक्स माइनस 1 माइनस टेन एक्स किया, अगर मैं इसको स्क्वायर को इससे करता था तो 2 2 4 वापस मिल जाता था, 2 2 4 करके वापस मिल जाता था। तो मैंने इसको ऐसा किया। तो अगर अभी मैं इसको, अगर ये इक्वेशन को देखूं मैं ऊपर का, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मुझे कुछ तो ऐसा मिलेगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 माइनस टेन एक्स होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो हमें पता ही है क्या होता है, 1 होता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। तो अभी 1 माइनस टेन एक्स का देखते, तो टेन इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन बाय कॉस रहता है, हाँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, सेम ऊपर कुछ नहीं करेंगे हम, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही नंबर आने वाले, तो 1 को निकल डालते, कॉस ऊपर जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस माइनस साइन बाय कॉस मिलेगा, हाँ मिलेगा। अभी हम क्या करते, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं हमारे डिनोमिनेटर को, तो अगर हमने अपने डिनोमिनेटर को ऊपर लेके गए तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉस से होगा, ये ऊपर जाएगा, और ये क्या होगा हमारा, कॉस माइनस साइन होगा, कॉस माइनस साइन होगा, ठीक है। तो अगर हम अभी देखें तो ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते, कॉस प्लस साइन, फिर उसके बाद क्या लिख सकते, कॉस माइनस साइन, वापस ए माइनस बी का हमने आइडेंटिटी लगाया, मल्टीप्लाइडेड बाय ये किसके के साथ था, कॉस माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन और कॉस माइनस साइन कट हो जाते, तो कॉस प्लस साइन मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस आता है हमारे पास। तो अभी क्या करेंगे, कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉस को साइन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा हमारे पास, कॉस साइन हो जाएगा ना हमारे पास। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर वन है। तो अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करते हैं, इधर हम इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करते थे। इक्वेशन नंबर टू में हमारा जो ये है, हमारा जो आर एच एस है, वो है कॉट एक्स प्लस वन और सेक और कॉस एक्स। तो हम क्या कर देंगे, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को हम कैसा लिख सकते, कॉट एक्स को हम कॉस बाय साइन लिख सकते, कॉस बाय साइन लिख सकते हम कॉट एक्स को, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या था हमारा, ये डिवाइडेड बाय सेक बाय कॉस एक, सेक बाय क्या होगा, कॉस एक होगा, ठीक है। तो इधर क्या था, कॉट एक्स प्लस वन था, तो इधर वन भी आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी हम जो पहला ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ऊपर का अगर हमने एलसीएम लिया तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, कॉस प्लस साइन मिलेगा हमको, डिवाइडेड बाय साइन मिलेगा, और अगर हमने नीचे को ऊपर भेजे तो इस ये क्या था, सेक बाय कॉसेक, इसके अंडर रूट, इसके जो नीचे डिवाइड बाय वन रहेगा, तो अगर हमने इसको ऊपर भेजे तो ये मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, सेक बाय कॉसेक होगा, सेक बाय कॉसेक, वन बाय सेक कॉसेक होगा, ठीक है। तो इधर कॉस बाय साइन डिवाइडेड बाय साइन है, तो इसको ऐसे ही रहने देते, साइन
अभी इधर क्या करते, वन बाय सेक, तो वन बाय सेक क्या हो गया मेरा, क्या हो गया कॉस हो गया, और वन बाय कॉसेक क्या हो गया मेरा साइन हो गया, तो ये मल्टीप्लाइडेड बाय क्या हो गया हमारा कॉस मल्टीप्लाइडेड बाय साइन। तो इधर साइन है मेरा, इधर साइन है, तो मैं साइन साइन को काट सकता हूँ। हाँ, तो अभी हम सेम सिनेरियो में आ गए जो हम ये सिनेरियो में आए थे कि हमको क्या करना था, कॉस को कॉस प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना था। इधर भी हम आ गए कॉस को कॉस प्लस साइन से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साइन कॉस हो गया। थस हमारा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो आपको शायद ये समझने को आ जाना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, नहीं तो आप अपने वापस अपने बलबूते में इसको कर सकते हैं, और नहीं समझने आया तो आप वापस ये वीडियो को देख सकते हैं।